इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप गूगल फोटोज़ का यूज़ कर सकते हैं, गूगल फोटोज़ होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने में से कई ने गूगल फोटोज़ के बारे में सुना होगा, यह आपके काम की बहुत चीज़ है अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं या आपके पास जीमेल अकाउंट है। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी फोटोज़ रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फ़ोटो जो हमारे लिए स्पेशल होती है, अगर वो अपने मोबाइल में हम रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके मोबाइल के खोने से या आपकी चिप के करप्ट हो जाने से या कुछ खराबी आ जाने से आपके सारे फोटोज़ डिलीट हो जाते हैं, या आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो उससे आपके फ़ोटोज़ डिलीट हो जाते हैं। गूगल फोटोज़ की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ का ऑनलाइन बैकअप बना सकते हैं, ताकि जब भी आपको जो अगर आपका मोबाइल जो खो जाता है या ख़राब हो जाते हैं आपकी चिप, तो आप दूसरे डिवाइस में उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके फिर से वही फ़ोटोज़ को वापस अपने पा सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं तो आपके पास जीमेल अकाउंट होगा ही। तो यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आपको देखिए एक ये जो आइकॉन दिख रहा है ये गूगल फोटोज़ का आइकॉन है। इसको आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होगा, हो सकता है अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो प्ले स्टोर पहले ओपन करिएगा। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद इसके सर्च बार में आपको लिखना है गूगल फोटोज़ और लिख के सर्च करिए। गूगल फोटोज़ लिख के सर्च करने पर ये जो आइकॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। 22 MB की ऐप है और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि आगे यूज कैसे करना है। ये आपकी ऑनलाइन गैलरी एक हिसाब से हो जाएगी आपके फ़ोटोज़ के लिए। सबसे पहले आप गूगल फोटोज़ का ऐप ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमारा ऐप ओपन होगा। गूगल फोटोज़ ओपन हो जाने के बाद आपके देखिए यहाँ पे आपका बैकअप और जो सैंक है वो ऑन है यहाँ पे। यानी कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेट करना है कि आपका अपलोड कब होगा, वाईफाई के ऊपर होगा या फ़ोन में हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज है इसकी। आप इसके चेंज सेटिंग में क्लिक करके इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने जो है क्वालिटी की फ़ोटो चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको अपने मोबाइल के डेटा से बैकअप बनाना है तो यहाँ पे इसको चेकमार्क कर दीजिए, यूज सेलुलर डाटा टू बैकअप, इसमें क्लिक करके तो आपके मोबाइल के डेटा से जो आपके फ़ोटोज़ के बैकअप बन जाएगा आपकी इंपॉर्टेंट फोटो की, यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। अगर आपने साइन इन नहीं किया तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपका ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना मिलेगा, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, वरना आप इस जगह पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट में जाना है और ऐड अकाउंट में आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है, या फिर आप बिना अकाउंट के भी कर सकते हैं, यूज विदाउट एन अकाउंट, इसमें क्लिक करके आप अपने फ़ोटोज़ का बैकअप बना सकते हैं। लेकिन ये आपके फ़ोन तक ही सीमित रहता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन चला जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर आप उसे रिकवर नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप के पास अगर जीमेल है तो आप जीमेल आईडी से साइन इन करके इसका यूज करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको टर्न ऑन कर देने पर जो आपके फ़ोटोज़ का है बैकअप बनने लग जाता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका फ़ोटो जो है बैकअप बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक फ़ोटो को, चुनिंदा फ़ोटो को बैकअप बनाना है तो वो आप कैसे करिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में जाना है और गैलरी को ओपन कर लेना है। तो अपने मोबाइल में जाइए और अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन करिए। गैलरी ओपन हो जाने के बाद आपके सामने फ़ोटोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ में से आपको जिस भी फ़ोटोज़ का बैकअप बनाना है उसको क्लिक करिए और उसको सेलेक्ट करिए, जैसे आप नॉर्मली फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर में क्लिक करिए। शेयर में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड टू फोटोज़, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, और गूगल फोटोज़ का आइकॉन है। अगर आपको ना मिले तो सी ऑल में करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लिक कर देना है अपलोड टू फोटोज़ में। तो यहाँ से आपने जितने भी फ़ोटो सेलेक्ट किए यहाँ पर शो अप करेंगे और आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नीचे में अपलोड के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से जो आपको फ़ोटोज़ है वो अपलोड हो जाएंगे। तो आपका अपलोड इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको फिर से उसी फ़ोटोज़ को कहीं देखना है तो आपको सिंपली अपने जीमेल से साइन इन करना होगा, गूगल फोटोज़ का ऐप डाउनलोड करना होगा और आपके अपने फ़ोटोज़ वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है गूगल फोटोज़ का यूज़ करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगा कि गूगल फोटोज़ क्या होता है और उसका कैसे यूज़ करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही टेक वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन को भी हिट करिएगा, क्योंकि नई वीडियो मैं लाऊंगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।